नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 7 जनवरी 2020 की। दोस्तों हम बड़ी अपडेट्स देखेंगे और बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है कि देखिए दोस्तों, यूपी टेट 2019 यूपी टीईटी अभ्यर्थियों को मिली दोस्तों 10 मिनट की राहत। परीक्षा देने को यह दस्तावेज लाने होंगे साथ। तो दोस्तों अगर आपको परीक्षा देना है तो आपको क्या क्या लेकर जाना दोस्तों, इसको इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों अगर आपने एक गलती की तो आप पेपर से हो जाएंगे बाहर। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप पेपर में नहीं लेकर जाएंगे तो आप यूपी टेट 2019 का पेपर नहीं दे पाएंगे, जो कि दोस्तों आप फिलहाल आपका हो रहा है 8 जनवरी 2020 को। लेकिन नाम तो दोस्तों यूपी टेट 2019 ही है। तो दोस्तों इसका पेपर आपको कल शुरू होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और जाने पेपर में क्या क्या लेकर जाना है तो चलिए दोस्तों पूरी अपडेट को देखते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनसे दोस्तों कोई गलती ना होने पाए। तो दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। यूपी टीईटी अभ्यर्थियों को मिली दोस्तों 10 मिनट की राहत। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के लिए नई नियमावली जारी हुई। परीक्षा में देर से आने वाले अभ्यर्थियों को दोस्तों 10 मिनट की राहत मिली है। 22 दिसंबर को स्थगित परीक्षा का प्रवेश पत्र ही मान्य रहेगा। वही प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले छात्रों को अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीटीसी या बीएड कर रहे हैं तो अगर दोस्तों आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों आपको उसको क्या लाना पड़ेगा, अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की मूल प्रति दोस्तों लाना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको ध्यान में रखना है। दो पालियों में होने वाली परीक्षा में दोस्तों कुल 34,769 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो दोस्तों ये फिलहाल आपकी जो अपडेट थी बरेली से थी, तो वहां पर यह था। उसके बाद दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं कि नकल विहीन टीईटी परीक्षा को शासन ने पूरी तैयारी से की है कि कलेक्टर सभागार में हुई बैठक में सोमवार को केंद्र व्यवस्थापक स्टैटिक व सेक्टर मजिस्ट्रेट को नई नियमावली की जानकारी दी। परीक्षा से 30 मिनट पहले ही सीसीटीवी की निगरानी में प्रवेश शुरू हो जाएंगे। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग सीट ओएमआर सीट को खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित होंगे। अभ्यर्थी को दोस्तों ओएमआर सीट व कार्बन कॉपी दोनों जमा करेंगे। कक्ष निरीक्षक कारण बता ओएमआर सीट को काटेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। तो दोस्तों देखिए, जो 10 मिनट की मिली राहत है दोस्तों, ये फिलहाल बरेली की अपडेट आई है। तो दोस्तों चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन से दस्तावेज आप लेकर जा सकते हैं। देखिए पहले आपको दोस्तों प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना अनिवार्य होगा। फिर दोस्तों आवेदन में लगी फोटो, आधार कार्ड या फोटो पहचान पत्र, ठीक है, इनमें से दोस्तों किसी एक चीज को आपको लेकर जाना है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा दोस्तों ये लेकर जाना है। तीसरा दोस्तों आपको ले जाना होगा प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र, ठीक है दोस्तों। अगर आपने डीएलएड या बीटीसी या बीएड किसी को कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों उसको लेकर जाना है, अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, ठीक है ना, फोटो कॉपी दोस्तों जो रिजल्ट का होता है उसको अटेस्ट कराकर। प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को अंतिम वर्ष के अंक पत्र की मूल प्रति लेकर जाना होगा। मूल प्रति नहीं होने पर संबंधित संस्था के रजिस्ट्रार या फिर राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित अंक पत्र की फोटो कॉपी आपको लेकर जानी पड़ेगी। तो आप लोग कुछ भी मिस मत करिएगा दोस्तों। अगर आपने गलती कर दी इनमें से कुछ भी अगर आप ले जाना भूल गए तो हो सकता है कि दोस्तों वहां पर आपको पेपर ना देने दिया जाए। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि दो पालियों में होगी आपकी फिलहाल परीक्षा। पहली पाली दोस्तों आपकी सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है, और दोस्तों दूसरी पाली आपकी रहेगी 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दोस्तों एसटीएफ की रहेंगी निगाहें। जी हां दोस्तों, टीईटी परीक्षा स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की दोस्तों निगाहें रहेंगी। परीक्षा में सेक्टर मजिस्ट्रेट पर भी स्मार्टफोन ले जाने पर रोक है। तो इसको भी दोस्तों ध्यान में रखना है कि कहीं पर भी दोस्तों कल आपको कोई भी स्मार्टफोन के साथ टीचर आपको नहीं दिखेगा। आप जहां पर भी पेपर देंगे अगर दोस्तों कोई भी टीचर दिखता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कि कल आपको कोई दोस्तों मतलब जब जहां पर आप पेपर दे रहे होंगे उस समय दोस्तों अगर किसी टीचर के पास फोन भी मिलेगा तो ऐसा फोन होगा दोस्तों जिसमें कैमरा नहीं लगा रहेगा। जी हां दोस्तों, बिना कैमरा वाला फोन ही टीचर के पास कल दोस्तों आपको दिखेगा। तो एक बात और दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो कल सबसे पहले आंसर की जारी होगी तो दोस्तों वो हमारे YouTube चैनल से ही होगी। तो अगर दोस्तों आप लोग को आंसर की देखनी हो या पूरा पेपर का सलूशन देखना हो तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे दोस्तों कल आप लोग अपना पेपर देकर बाहर निकलेंगे, सबसे पहले हम आपको लिए आंसर की और दोस्तों पूरा पेपर सलूशन आपको दे देंगे, ठीक है ना, उसको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों चलिए आज की कुछ और अपडेट्स हैं, उसको वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, उससे आप सीखेंगे। फिलहाल दोस्तों बात आपको बता दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि आपको कल क्या क्या दस्तावेज लेकर जाना है, ठीक है ना। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक देखें। 23,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 2020 की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं,
तो दोस्तों आज आने वाला है सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, 23,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखिए, 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त सीटें भरने का रास्ता हो सकता है साफ। करीब 23,000 से अधिक पद पड़े हैं खाली। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की कटाप अंक का प्रकरण अभी भी विचाराधीन है। यूपीटेट 2019 साल गुरुओं पर एसटीएफ की पैनी नजर। विभाग ने गठित की टास्क फोर्स टीईटी की परीक्षा दोस्तों कल। जी हां दोस्तों, कल आपका पेपर होने वाला है यूपीटेट 2019 का। मतलब दोस्तों कल आपकी तारीख है 8 जनवरी 2020। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं कि आपकी पेपर कब होगी। तो मतलब आपका पेपर कल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों उसके लिए हम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, उस लिंक के माध्यम से आप लोग अपना न्यू एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी अपडेट एक और आई, उसका क्या नाम है कि बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के नए आयोग के गठन को शासन ने अधिकारियों से मांगा नए आयोग का ड्राफ्ट। तो दोस्तों चलिए सभी अपडेट पर एक एक करके बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आज है फैसले का दिन। जी हाँ दोस्तों, 23,000 शिक्षक भर्ती। अगर दोस्तों 2020 की कोई सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती होगी तो दोस्तों उसका फैसला आज ही आएगा। तो जो बच्चे अभी यूपीटेट 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अगर दोस्तों मान लेते 23,000 सीटें खाली रह जाती है तो हो सकता है कोर्ट का आदेश हो तो उसको नए सिरे से फिर से दोस्तों उसमें मतलब सब कुछ विज्ञप्ति जारी करके आवेदन लेकर दोस्तों वैकेंसी को क्लियर करने का एक आदेश आ सकता है। तो चलिए दोस्तों एक अपडेट को हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आपका जो 23,000 सीटें उसमें क्या है पूरा मामला। करीब 23,000 से अधिक पद पड़े हैं खाली। देखिए दोस्तों, रिक्त सीटें भरने का रास्ता हो सकता है साफ। 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट यदि मूल शासनादेश को ही मान्य करता है तो भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही यदि 30-33 को मान्य किया तो शिक्षा मित्र वे अभ्यर्थी जो चंद अंक अनुत्तीर्ण हुए हैं नियुक्ति पाने के लिए दबाव बनाएंगे। इस आदेश से पूरी भर्ती प्रभावित होगी या नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं है। साथ ही कोर्ट सरकार को सुझाव भी दे सकती है कि यदि वह चाहे तो रिक्त सीटों को कटाप घटाकर भी भर सकती है। इसमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ होगा। या तो कि 23,000 से अधिक पद खाली पड़े सरकार आदेश के खिलाफ डबल बेंच में भी जा सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि फैसला किसी भी पक्ष में आए अभ्यर्थियों का एक वर्ग डबल बेंच में जरूर जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के कटाप अंक का प्रकरण अभी विचाराधीन है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाप अंक का प्रकरण अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें लिखित परीक्षा के बाद शासन ने कटाप अंक तय किया था। अभ्यर्थी इसके विरोध में कोर्ट गए थे। लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। अब तक इस भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी तक जारी नहीं हो पाई है। फैसला कब आएगा अभी तय नहीं है। तो दोस्तों देखिए, यूपी में जो आपकी शिक्षक भर्तियों का हाल है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें 23,000 जो पद खाली है, अगर बच्चों के हक में फैसला नहीं आता, मतलब दोस्तों इसमें हुआ क्या था, हम आपको पूरा मामला शॉर्टकट में समझाते हैं कि दोस्तों जब ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई थी तो इसमें जो सरकार ने कटाप लगाया था, पासिंग मार्क लगाया था, वो 40-45% लगाया था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लगभग आपने जो टोटल आपकी अभी तक सीटें भरी वो लगभग 45,000, पहले 41,000 समथिंग जोड़ जोड़ कर अब तक 45,000 सीटें भर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी इसमें 23,000 सीटें और खाली रह रही हैं। तो बच्चों ने दोस्तों ये डिमांड की सरकार से कि इसके कटाप को दोस्तों घटाकर 40-45 से 30-33 कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये मामला कोर्ट में गया। अगर कोर्ट ने दोस्तों आप 30-33 के पक्ष में फैसला सुना दिया तो दोस्तों ये 23,000 सीटें तो भाई ऑटोमेटिक फुल हो जाएंगी, फिर तो बच्चे सब कंप्लीट कर जाएंगे। अगर मान लेते दोस्तों हाई कोर्ट ने ये कहा नहीं, अब कटाप डाउन नहीं की जा सकती है, तो दोस्तों आपके लिए नई जो शिक्षक भर्ती होगी 23,000 पदों के लिए वो बहुत ही जल्द 2020 में ही आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हम आपको बता दें कि अभी केवीएस के लिए एक वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, उसमें लगभग सिर्फ 6,000 पद हैं। सोचिए दोस्तों, जो ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी आएगी उसमें सिर्फ 6,000 पद हैं। और दोस्तों अभी आपने देखा होगा जूनियर हाई स्कूल करके कुछ वैकेंसी आने वाली है, उसमें 4,000 पद हैं। सोचिए दोस्तों, इतनी छोटी छोटी वैकेंसियाँ और आपके सामने 23,000 पद की वैकेंसी आना, मतलब दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस बनेगा, बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है आपको नौकरी पाने का। अगर दोस्तों 30-33 के फेवर में फैसला नहीं आया तो आपके लिए दोस्तों 23,000 पद की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये आपके लिए मतलब एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती, अगर आप यूपी में यूपी टेट की तैयारी करें तो आपको पता होगा कि 6 जनवरी 2019 को पिछले साल आपका दोस्तों
69,000 शिक्षक भर्ती के लिए पेपर हुआ था, लेकिन इसका रिजल्ट आज तक जारी नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, आज 7 जनवरी 2020 हो चुकी है, मतलब एक साल से भी अधिक का समय हो रहा है, अभी तक दोस्तों इस परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। पूरा मामला ये कोर्ट में चला गया है, इसके चलते दोस्तों अभी तक इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। तो चलिए यूपी टेट के लिए भी कुछ अपडेट्स को दोस्तों देख लिया जाए कि देखिए सालवरों पर एचडीएफ की पहली नजर, विभाग ने गठित की टास्क फोर्स। अब दोस्तों देखिए जहां पर ये सॉल्व करने वाले होते हैं ना वो तो कर ही जाते हैं, तो देखते हैं पूरी अपडेट को, पहले पढ़ लेते हैं कि राजधानी में बुधवार को 82 केंद्रों पर आयोजित की जा रही टीईटी परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा में सालवरों पर एसटीएफ और पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए पुलिस, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात रहेगा। शिक्षा विभाग ने अपने 60 टीमों की टास्क फोर्स गठित की है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की। तो एसटीएफ पुलिस, तो दोस्त ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब रहने वाले हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और टास्क फोर्स के साथ दोस्तों आपकी 21 सदस्यों की टीम भी रहेगी। तो बस, रेलवे और टेम्पो स्टैंड के आसपास रहेगा पुलिस बल। तो दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें कि कल 8 तारीख को आपकी एक बड़ी हड़ताल भी होने वाली है, तो उसके मद्देनजर आप लोग घर से समय से निकलिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि कल एक बड़ी हड़ताल भी है, तो दोस्तों अगर आप लोग गलती करें तो दोस्तों उसका जो आपका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो उस अपडेट को भी दोस्तों हम दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों पूरी अपडेट ये थी कि ट्रेड यूनियनों ने सरकार से की टीईटी स्थगित करने की मांग। देखिए दोस्तों पूरा मामला ये है ना कि श्रम संगठनों के प्रदेश पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 8 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी स्थगित करने की मांग की है। तो दोस्तों वही बात हम बता रहे थे कि कल इनका एक बड़ा हड़ताल होने वाला है, मतलब 8 तारीख को। तो दोस्तों अगर आप लोग पेपर देने घर से निकल रहे हैं, जैसे अगर आप लखनऊ में ही पेपर दे रहे हो, तो दोस्तों लखनऊ में इतना आसान आपके लिए नहीं हो सकता पेपर देना, तो आप लोग समय से निकलिएगा और ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, क्योंकि अगर हड़ताल होती तो दोस्तों आपको पता होता कि पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। मेन दोस्तों जो सिटीज होती है ना वहाँ पर रोड को लोग ब्लॉक कर देते हैं कि आप वहाँ ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो कल एक बड़ी हड़ताल होने वाली, तो जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, जो बड़ी सिटीज हैं दोस्तों, देखिए ये हड़ताल वैसे पूरे यूपी में होने वाली है या पूरे देश में हो, लेकिन आपको अपना भाई ख्याल रख के ही पेपर देना है कि आप पेपर देने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं, तो इस बात को भी आपको फोकस करके जाना है। तो पूरी अपडेट को दोस्तों हम दिखा देते हैं। पहले श्रमिक नेताओं ने कहा कि 8 जनवरी को श्रमिक व कर्मचारी संगठनों की एक दिवसीय हड़ताल के चलते परीक्षार्थियों को दिक्कतें हो सकती हैं। CIETU के प्रांतीय महामंत्री प्रेमनाथ राय ने बताया कि इस हड़ताल में बैंक, बीमा, सार्वजनिक उपक्रम, कोयला, बिजली, औद्योगिक व सेवा प्रतिष्ठानों और केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल रहेंगे। प्रदेश सरकार 8 जनवरी को टीईटी का आयोजन कर रही है। हड़ताल से स्थानीय स्तर पर यातायात में परेशानी हो सकती है, इसलिए मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि टीईटी को स्थगित कर दिया जाए। यह पत्र इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के प्रदेश मंत्री दिलीप श्रीवास्तव, हिंद मजदूर सभा के प्रदेश महामंत्री उमा शंकर मिश्रा और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के महामंत्री प्रेमनाथ राय की ओर से लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए इन्होंने अपना पूरा काम कर दिया था। अब अगर कोई बच्चा कल पेपर नहीं दे पाया तो उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्तों, इसको सरकार को तय करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो हड़ताल कर रहे हैं और ये पहले से इनको बता चुके हैं कि अगर कोई दिक्कत आएगी दोस्तों तो ये टेट को स्थगित करने की इन्होंने मांग भी की थी। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि सरकार कल क्या करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बच्चा पेपर देने से छूट जाता है, क्योंकि देखिए कभी कभी होगा ना, अगर आपका पेपर वन और पेपर टू का सेंटर अगर सेम कॉलेज में है तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब पेपर टू का अगर आपका सेंटर थोड़ा दूर चला गया है और आपको पता है जिस बार एडमिट कार्ड भी जारी हुए हैं उसमें दोस्तों आपका जो पता है उसको सही से दिया नहीं गया, तो मतलब सभी बच्चे गूगल कर रहे हैं, गूगल मदद से ही आप अपना एड्रेस ढूंढ पा रहे हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर गया है, तो कल काफी दिक्कतें आपको आ सकती है। तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि आज ही जब दोस्तों इस वीडियो को आप देख रहे हो तो उसके बाद आप लोग 10-15 मिनट का टाइम निकालकर आप लोग चले जाइएगा, देख आइएगा कि आपका सेंटर घर से कितनी दूर है और स्कूल कॉलेज का नाम आप उसको मैच करा लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों आपको कल अगर आप निकलेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, जैसे कभी कभी होता है ना एक ही नाम के दो स्कूल होते हैं, दो कॉलेजेस होते हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको, तो इस बात पर फोकस करिएगा। और लखनऊ में अगर हैं आप तो वहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहाँ पर आपका ट्रैफिक अच्छा खासा हो सकता है कल, क्योंकि कल कोई छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतलब आप ये सोचेंगे कि भाई जहाँ पर आपका सेंटर गया वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी करा दी गई है, लेकिन कल दोस्तों आपको एक वर्किंग डे है तो आप ध्यान थोड़ा रख सकते हैं।
बाकी के दोस्तों आज की जो अपडेट्स आने वाली दोस्तों उसकी पूरी हम अपडेट आपको करके बता देंगे कि आखिर आज क्या हुआ, किसकी जीत हुई, और दोस्तों जो 23,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता है वो हम पूरा आपको क्लियर करके बताएंगे कि वो शिक्षक भर्ती आपके लिए आने वाली है या नहीं। अगर आ गई तो समझ लीजिए आपके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी, 2020 की सबसे बड़ी वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों वो, जिसमें हम आपको बताते हैं BTC प्लस BEd दोनों छात्र दोस्तों आवेदन कर पाएंगे। BTC का नाम या DLED आज हो गया, BTC प्लस DLED प्लस आपको BEd सभी छात्रों को दोस्तों पूरा मौका मिलेगा, हर एक बच्चा आवेदन कर पाएगा। कोई दोस्तों उसमें मतलब कोई रूल्स ये सब नहीं लगा कि ये बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली आपको BTC या DLED कंप्लीट हो चुका हो और BEd भी आपका रिजल्ट आ चुका हो तो आप तुरंत आवेदन के पात्र होंगे। तो दोस्तों इस अपडेट को जरा देख लेते हैं कि बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती करने के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन की प्रक्रिया अंतिम तौर पर पहुंच चुकी है। इसके मद्देनजर नए आयोग के गठन का ड्राफ्ट तैयार कर रहे अधिकारियों से शासन ने 10 जनवरी तक सारा ब्यौरा मांगा है। अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर शासन में उसकी समीक्षा की जाएगी, फिर सारे तथ्यों को जोड़कर आयोग का नियम बनाकर उसे लागू किया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी करने में कई दौर पर चर्चा व समीक्षा होनी है। यही कारण है कि अधिकारियों से 10 जनवरी से पहले ब्यौरा देने को कहा गया है। प्रदेश सरकार कैबिनेट और विधानमंडल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। तो दोस्तों आज मतलब आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेट्स आने वाली है, तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जैसे दोस्तों इसकी ऑफिशियल अपडेट आती है कि क्या हुआ 30,000 शिक्षक भर्तियों का, तो हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हाँ, कल आपको दोस्तों पेपर होने वाला, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट 8 जनवरी 2020 के लिए। तो एक की और दोस्तों जाते जाते आपको बता दें, जो कल सबसे पहले आंतर की देखने को मिलेगी वो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिलने वाली है, आंतर की प्लस फुल पेपर सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरा पेपर सोल्यूशन इसलिए दोस्तों दे देंगे क्योंकि काफी बार दिक्कतें होती हैं आप लोग को, जो सभी का पेपर कोड अलग अलग होगा तो आंतर की मैच कराने में दोस्तों दिक्कतें आती है, तो हम आपको पूरा पेपर सोल्यूशन भी कल सबसे पहले देंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।